हाय गाइज, मैं उमानाथ सिंह, आप लोग के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेकर आप लोग के सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको कैलेंडर पंचांग पढ़ाऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। तो पूरा शुरू से अंत तक लेकर मेरी वीडियो देखिए, कुछ मिस मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो सब कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आइए हम कैलेंडर शुरू करते हैं और देखते रहिए, एक लाइक मार दीजिए वीडियो को और आइए समझिए पहले कॉन्सेप्ट क्या है, कैलेंडर है क्या चीज। तो आइए पहले कैलेंडर की हम डिफिनेशन देख लेते हैं। कैलेंडर को हम कहते हैं हिंदी में क्या, पंचांग कहते हैं, ठीक है। पंचांग मतलब पांच अंग, जिसमें पांच अंग हो वही आपका कैलेंडर हो। तो पांच अंग क्या हो सकते हैं उसमें, मतलब दिन हो सकता है और महीना, वर्ष, हफ्ता और तारीख, ये पांचों होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कैलेंडर कहते हैं, पंचांग कहते हैं। तो अब इसकी एक डिफिनेशन और हो गए, वह साधन जिससे हम, जिसमें महीना, मास, दिन और वर्ष दिया हो, उसे हम क्या कहते हैं, कैलेंडर कहते हैं, पंचांग कहते हैं। दोस्तों, तो हम जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, जो कैलेंडर में है क्या, तो हमारा दोस्तों ये कैलेंडर है। दोस्तों कैलेंडर, ये कैलेंडर जो होता है, कैलेंडर, तो कैलेंडर में हमारा होता क्या है, ईयर होता है, ठीक, ईयर, वर्ष होता है, ठीक। एक कैलेंडर जो होता है उसमें वर्ष होता है, और वर्ष में क्या होता है, वर्ष में होते हैं हमारे मंथ होते हैं, महीने होते हैं, ठीक, मंथ, मंथ हो गए, महीने हो गए। अब महीनों के अंदर क्या हो सकता है, इसमें आपका सप्ताह हो सकता है, वीक, वीक हो गए, और वीक में क्या हो सकते हैं, डे हो सकते हैं, डे हो जाए, ठीक, वीक से मंथ, डे, ईयर, ये सब हो गया। कितने होते हैं, अब दोस्तों एक वर्ष में कितने महीने होता है, वन ईयर में हमारे जो है 12 मंथ हो गए, ठीक है। एक साल में कितने महीने, 12 महीने हो गया, और एक साल में कितने सप्ताह होंगे, एक साल में कितने सप्ताह, ये आपका हो जाएगा। देखिए, जो साल होता है हमारा दो तरह के होते हैं, सॉरी असल बात इसको यही बता रहे हैं, तो एक सप्ताह में हमारे 52 सप्ताह हो जाएंगे, 52 सप्ताह और प्लस वन डे हो जाएगा, वन डे, एक दिन। और कुल कितने दिन होंगे हमारे एक साल में, ये 365 दिन होंगे दोस्तों, 365 डेज, ये होता है। इसको भी कंफर्म कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कितना क्या होता है उसको। अब आइए हम इसको एक एक करके सबको आपको कॉन्सेप्ट दे दूंगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं, सब कुछ बताऊंगा दोस्तों, आइए बस जुड़े रहिए हमारे साथ। तो आइए पहले हम आपको बताना चाहते हैं लीप ईयर और साधारण वर्ष क्या होता है। देखिए दोस्तों, यह जो हमारा सिंपल ईयर है, लीप ईयर, पहले लीप ईयर, लीप ईयर मतलब अधिवर्ष, अधिवर्ष, ये अधिवर्ष क्या होता है, तो दोस्तों इसको लिख लीजिए, जब किसी साल में चार से, वर्ष में चार से भाग देने पर वो पूरा पूरा कट जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, लीप ईयर्स कहते हैं। और लीप ईयर्स में दिनों की संख्या होता है वन लीप ईयर, वन लीप ईयर इक्वल टू 366 डेज, ठीक है। एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, ठीक है। और एक सिंपल ईयर होता है, और जनरल ईयर, जनरल, जनरल ईयर, वहां गए, चलिए आगे बताते हैं हम आपको। फिर वन लीप ईयर्स में जो है कितना डेज होते हैं, 366 दिन होते हैं, और वन जनरल ईयर में जो 365 दिन होते हैं, ठीक है। ये हो गया क्लियर आपका। अब देखिए दोस्तों, ये लीप ईयर कैसे निकालेंगे, मतलब किसी भी वर्ष में चार से भाग देंगे, और भाग देने पर अगर शेष पर कुछ नहीं पड़ा, पूरा पूरा कट गया, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक लीप ईयर कहते हैं, अधिवर्ष कहते हैं। और जनरली अगर शेष पर बच रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, जनरल ईयर कहेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे देख लेते हैं 2020 है, इसमें लीप ईयर है कि नहीं, तो चार से भाग दे दो, 4×5=20 कट गया, फिर 0 पर आ गया, 4×5=20 आ गया, पूरा पूरा कट गया, तो 2020 क्या हमारा ये लीप ईयर्स है, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं, 2020 इट इज ए लीप ईयर्स। अब जनरल सेंचुरी ईयर्स घुस रहा है दोस्तों, सेंचुरी ईयर्स क्या होता है,
तो जो जब किसी संख्या के आगे 00 लगे हो वर्ष के, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंचुरियन कहते हैं। जैसे 1600 के, 1700, 1800, 2000, इस तरह से जो आगे जाएगा 2100, 2200, 2300, ये सभी क्या है, हमारे सेंचुरी ईयर। ठीक है, अब सेंचुरी ईयर चेक करना है, लीप सेंचुरी ईयर है कि जनरल सेंचुरी ईयर है, तो उसके लिए हम कितने से भाग देंगे, 400 देंगे कि 400 से भाग देंगे। जैसे आप 1600 दे लेते हैं, तो 1600 भागे 400, 4 × 4 = 1600 हो गया। तो ये 1600 जो है हमारे, ये इट इज ए लीप सेंचुरी ईयर, हमारे लीप सेंचुरी ईयर है। तो दोस्तों चलिए आगे हम आपको ये बताते हैं कि ये एक साल जो है ये कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, तो आइए उसको हम कंफर्म करते हैं। हाँ दोस्तों, तो चलिए देखिए समझिए कॉन्सेप्ट। अब देखिए हमारे जनरल ईयर में कितने हैं, 365 दिन होता है। तो हमारा जो सूर्य है पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना करता है, 365 दिन, सही, एक का 4 दिन लगाता है। ठीक है, सॉरी, पृथ्वी हमारे सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 365 सही एक का 4 दिन लेती है। तो 1 सोलर डे, सोलर डे मतलब सौर दिवस, मतलब सूर्य के चारों चक्कर लगाने जितना समय लगता है उसको हम सोलर डे कहते हैं। ये होता है 365 सही 1/4 दिन। ठीक है, तो 1/4 दिन है। अब देखिए 4 × 4 मतलब 6 घंटे। तो ये देखिए पहले साल मतलब ये 365 है हमारा, तो पहले साल देखिए हमारा बन गया 6 घंटा, फिर 6 घंटा, फिर 6 घंटा, फिर 6 घंटा। तो देखिए 1, 2, 3, 4, ये हो गया 6 × 6 = 24 घंटे आवर, 24 आवर हो गया। तो मतलब ये हो गया हमारा 1 डे। ठीक, तो इस तरह हम 365 × 1 = 366, इस तरह से हर 4 साल के बाद एक दिन बढ़ जाता है, वो होता है हमारा लीप ईयर। तो इस तरह 6-6 घंटे हर साल बढ़ेंगे, तो चौथे साल में सर जो है लीप ईयर होगा 366 दिन का होगा, उसमें फरवरी जो है हमारी कितनी की हो जाएगी, 29 दिन की होगी। इस तरह से आप समझ जाइए 6-6 घंटे हर साल बढ़ता है, तो वही हमारा जो है एक साल एक दिन बढ़ जाता है। तो आइए आगे हम बताते हैं आपको ऑड डेज। ऑड डे मतलब क्या होता है, विषम डे। विषम दिन मतलब कि सप्ताह के पूरे दिनों का चक्कर लगाने के बाद जितने दिन शेष रह जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। ऑड डेज, विषम दिन, नंबर ऑफ डेज ऑफ वीक। एक सप्ताह में कुल कितने दिन होते हैं दोस्तों, आप जानते हो 7 दिन होते हैं, इक्वल टू 7 डेज। अब आइए देखिए हम इसको लिख लेते हैं। जैसे अभी हम लिख लिए मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, फिर आ गया। तो इस तरह से ये चारों तरफ ये दिन घुमा फिरा के आते ही रहते हैं, साथ में से दूसरा नहीं आता, यही साथ आता है। तो एक राउंड पूरा होने के बाद जो दिन शेष बचेगा वही क्या होगा, ऑड डे हो जाएगा। और हमेशा याद रखना ऑड डे जो होता है 6 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, बस 6 तक मैक्सिमम जाएगा। अभी हमारा मंडे जो है इसका 1 होगा, ट्यूजडे के लिए 2, वेडनेसडे मतलब बुधवार के लिए 3, थर्सडे वीकेंड के लिए 4 और फ्राइडे शुक्र के लिए 5 और सैटरडे शनिवार के लिए 6 से बचेगा और 0 बच रहा है तो संडे हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नंबर, ये इसका जो आपका ऑड डेज है इसका जो है कैलेंडर में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं इसके ही बेस पर होंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल बताते हैं कैसे करना है। जैसे 10 डेज है, इसमें कितने ऑड डेज होंगे, तो 10 / 7 को तो 7 × 3 = 7 बचा 3 से, तो 3 हमारे क्या हो गए, ऑड डेज हो गए। तो इस तरह से तो हम ऑड डे निकालेंगे। तो चलिए अब हम कैलेंडर का आगे की ओर बढ़ते हैं कि कैसे सॉल्व करना है दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे एक साल में कुल कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। वो आपको तो याद होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ये 12 जो होते हैं हमारे महीने होते हैं और इन महीनों में के दिन भी होते हैं। दिन को आपको याद रखना बहुत जरूरी है, किस महीने का कितने का दिन होता है। ठीक है, जैसे जनवरी है, जनवरी कितनी की होती है, 31 की। फरवरी जो होती है हमारी 28 या 29 की होगी अगर लीप ईयर्स है तो, 29 नहीं तो 28 की। फिर मार्च कितना का होगा, 31 का। अब इसके देखो आप ये याद नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे। तो मैं आपको ऐसी ट्रिक दे रहा हूँ दोस्तों कि आपको लाइफ टाइम नहीं भूलेगा। आइए ट्रिक को देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं एक गाना बनाया हूँ, ठीक है, जून, जून नवंबर, जून नवंबर, जून नवंबर जानिए, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, अप्रैल सितंबर
अप्रैल सितंबर 30 28 की बनी फरवरी, 28 की बनी फरवरी फरवरी, बाकी सब 31, बाकी सब 31 31। देखिए सांकेत रूप में कितना अच्छा है, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 की बनी फरवरी, बाकी सब 31। तो इस गाने को भी याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इससे भी आप याद कर सकते हैं दोस्तों, मतलब जून नवंबर और अप्रैल सितंबर ये 30 का होगा, कंफर्म कर लीजिए। और उसके अलावा जो भी बचेगा 31 होगा, सिर्फ फरवरी जो है हमारी 28 की होगी। तो आइए, तो एक ट्रिक हो गया, आइए दूसरा ट्रिक हम आपको दे रहे हैं, हैंड ट्रिक, मतलब उठा 31 और दबा 30, ये है उठा और बैठल का सूत्र है। अब देखिए हैंड ऐसे कर लीजिए, तो हैंड में जो ऊपर आएगा वो हमारा क्या होगा, 31 का होगा। तो पहले हम चलते हैं जनवरी, जनवरी कितनी हो गई 31, फरवरी तो ये हो गया 28 से 29, फिर जनवरी फरवरी मार्च, मार्च 31 आया, फिर अप्रैल, देखो इसमें अप्रैल आ गया कितना है 30 का, फिर मार्च अप्रैल, फिर मई 31, फिर जून 30, जुलाई 31, फिर अगस्त 31, फिर अगस्त सितंबर 30, अगस्त सितंबर देखो इसमें भी आया 30, अगस्त सितंबर अक्टूबर 31, अक्टूबर फिर नवंबर 30, फिर देखिए नवंबर इसमें भी लिखे हैं 30, फिर नवंबर, उसके बाद दिसंबर आ गया क्या 31 का। तो इस तरह से इसको आप याद करते हैं, जो उठा है 31, दबा धसल जो है वो 30 का हुआ, ऐसा कंफर्म कर लीजिए। तो ये दिन को अच्छे ढंग से याद कर लीजिए दोस्तों, तभी आगे काम बढ़ेगा। आइए हम आगे चलते हैं कि इसमें दिनों को जो है 30 31 का, इसमें ऑफ डेज कितना होगा उसको आप कंफर्म कर लो पहले। दोस्तों जो होता है हमारा ये तो आप बता ही दिया, 30 31 28 तीन होगा, ठीक है। तो 30 दिन में नंबर ऑफ ऑड डेज इन 30 डेज बराबर, अगर 30 दिन का है उसमें कितने ऑड डेज होंगे, 30 में भाग दे दो, 30 भागे 7, 7 चौके 28, बचा कितना 2 शेष बचा, तो कितने होंगे 2 ऑड डेज होंगे। तो ये याद रखना, जिस 30 के आपके महीने है उसमें विषम दिनों की संख्या 2 होगी, और नंबर ऑफ ऑड डेज इन 31 डेज इक्वल टू 31 का होगा, तो 31 भागे 7 कर दो, तो 7 चौके 28, बचा हमारा कितना 11 से 8 गया 3, तो हो गया 3। अगर 31 का है तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे 3 होंगे, तो नंबर ऑफ डेज इन फरवरी, नंबर ऑफ ऑड डेज इन फरवरी बराबर, तो फरवरी दोस्तों 2 होता है, कितना होता है, एक होता है 28 का, एक होता है 29 का, तो 28 में 7 से भाग देंगे, 7 चौके 28, खत्म करते हैं, मतलब यहाँ 0 बचा, तो एक हो गया हमारा ऑड डेज 0 होगा, और 29 से भाग देंगे तो 7 चौके 28 हो गया, तो बचा हमारा 1, तो इसमें 1, तो फरवरी हमेशा याद रखिएगा नंबर ऑफ ऑड डेज विषम दिनों की संख्या 0 और 1 होता है। दोस्तों क्या है कि हमारा जो साल चलता है वो हमेशा जब नया साल अगला शुरू होगा तो उसका जो दिन है एक दिन हमेशा आगे होगा, याद रखना, अगर जनरल या सामान्य है तो एक दिन आगे होगा, अगर पीछे का पूछ रहा है तो एक दिन पीछे माइनस करेंगे, आगे के लिए प्लस करेंगे। अगर जो इस समय साल चल रहा है वो आपका लीप ईयर्स है, तो एक आगे आने वाला साल जो है हमेशा कितना बढ़ेगा, 2 दिन आगे होगा, ख्याल कर लीजिए। तो जैसे हमारा देखिए ये लिख लो आप, डे डे ऑफ नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर इफ बेस ईयर इज जनरल जनरल, तो जो है आपका डे प्लस 1 कर लेंगे, डे प्लस 1 जो दिन है उसमें एक जोड़ेंगे, और फिर डे ऑफ नेक्स्ट ईयर इफ बेस डे
इज अ लीप, ठीक है, तो लीप है, तो आगे आने वाले के लिए क्या करेंगे, डे प्लस टू करेंगे, दिन में हम दो जोड़ देंगे, ठीक है, तो आगे बढ़ करके आ जाएगा। और चलिए अब इसी पर हम आगे भी अभी इस पर सवाल बताएंगे कैसे क्या होगा, तो होगा जैसे आज क्या है 12 नवंबर 2019 चल रहा है, तो मंगलवार का दिन है दोस्तों। अब इसी तरह का अगर 12 नवंबर 2020 को क्या होगा, आज मंगलवार, तो 2020 को 12 नवंबर को ये क्या होगा, बुधवार होगा, ठीक है, इस तरह से करेंगे। अब पीछे के लिए घटा देंगे दिन को, इस तरह से इसको कंफर्म कर लीजिए आप। अब आइए आगे चलते हैं, तो दोस्तों ये जो हमारे कैलेंडर के सवाल हैं, इसमें तो एक बेस दे दिया जाता है, उसके आधार पर फिर दूसरा पूछा जाता है, और एक होता है कुछ दिया नहीं जाता, डायरेक्टली पूछ दिया जाता है, तो इसके लिए चलिए देखते हैं। तो अब इसमें बेस न दिया हो, डायरेक्ट पूछा गया हो, तो आइए देखिए, वन जनरल ईयर, जनरल ईयर, वन जनरल ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, ये अभी मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। अब इसमें कितने और डेज होंगे, तो अब ये 365 में आप भाग दे दो 7 से, तो 7 5 35 बचा 1 5 7 14 बचा 1, तो ये 365 है, तो और डेज कितने हो गए, इक्वल टू 1, ठीक है, और डेज, हाँ और डेज, तो तीन, एक जनरल सामान्य ईयर में और डेज कितने होंगे, 1 आएंगे, इसको आप अच्छे से लर्न कर लो। अब वन लीप ईयर, लीप ईयर, लीप ईयर्स में जो है आपके कितने होते हैं, 366 होते हैं, ठीक है। अब इसमें कितने और डे आएंगे, तो ये हो जाएगा 366 भागे 7 कर लो, तो हो जाएगा 7 5 35 1 6 7 14 बचा हमारा 2, तो कितने लीप ईयर आ गए दोस्तों, 2, याद कर लेना, अगर लीप ईयर है तो उसमें हम 2 जोड़ेंगे, विषम दिन होंगे, और सामान्य है तो 1 होगा, ठीक है। अब आइए चलिए इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों ये है, तो 2 तो आपका विषम दिन हो गया, और इसमें कितने सप्ताह होंगे, इसमें देखो 52 आ रहा है ना, इसको हम देख सकते हैं कितने, वन लीप, वन ऑड डे एंड 52 वीक, और इसमें 2 ऑड डे हो गया, अब 52 वीक हो जाएगा, ठीक, 52 सप्ताह होंगे, तो एक लीप ईयर में 52 सप्ताह, 2 लीप ईयर, देखो 52 आ रहा है ना, ये 52 हफ्ते हो गए पूरे पूरे। तो आइए अब नेक्स्ट चलते देखते हैं, 100 ईयर्स, 100 साल है दोस्तों, अब 100 सालों में कितने लीप ईयर आएंगे, ये निकाला हमको, चलिए इसको समझ लीजिए कॉन्सेप्ट, तो 100 में पहले 4 से भाग कर लो आप, 100 भागे 4, तो ये क्या, 4 2 8 2 0 4 5 20, ठीक, 25 आया, तो 25 है, लेकिन शुरू का जो है हमारा 1 लिया गया है, तो इसलिए उसको हम एक कम करेंगे, तो यहाँ 25 न लेकर के 24 ही करेंगे, तो इस 100 में से हम 24 घटा लेंगे, तो कुल कितने हमारे और डेज गए, लीप ईयर 24 होंगे, तो लीप ईयर इक्वल टू, लीप ईयर इक्वल टू 24 हो गया, और सामान्य ईयर कितने होंगे, जनरल ईयर इक्वल टू 100 में से घटा दो 24, इसी तरह से काम आगे करना है आपको, 24 घटाएंगे 10 में 4 गया 6 और यहाँ बचा 7, टी हो गया हमारे बराबर 76 जनरल ईयर और प्लस 24 लीप ईयर, ठीक है। अब यह 76 तो आपका जनरल हो गया, ठीक है, अब इसमें एक दिन होता है जनरल में बताए हैं, और प्लस 24 जो आपका लीप ईयर है, इसमें 24 में बताए हैं, 2 आता है ना सामान्य वर्ष, ये हो जाएगा 24 × 2, ये हो जाएगा 76 × 2 = 8 × 2 = 4, अब इसको जोड़ देंगे तो 8 × 6 = 14 हो जाएगा, 7 × 4 = 11, 124 दिन आ गया। अब 124 में कितने विषम दिन हुए, तो 124 भागे कर लो 7,
सात के साथ बच्चा हमारा पांच और चार उतार देंगे, सात अठे छप्पन, सात छ बयालीस, सात छ बयालीस, चार में दो गया तो सॉरी सात सत्य उनचास, सॉरी सात सत्य उनचास हो गया हमारा। तो बचा कितना, चौदह दिन हो गया पांच, तो हो गया हमारा इक्वल टू फाइव ऑड डेट, ऑड डेट। तो हमारे सौ सालों में कितने भी सन दिन आ गए, पांच भी सन दिन आ गए, ठीक है क्लियर। अब आइए इसी तरह से 200 में निकाल लेते हैं, 200 इयर्स, दो सालों में कितने वोट डे आएंगे, ये हो जाएगा पांच गुड़े दो बटे सात कर लो, ठीक है पांच गुड़े दो बटे सात, तो जाएगा पांच दूना दस बटे सात, तो देखिए दस भागे सात करेंगे, सात के साथ तीन से बचा तो बराबर आ गया तीन और डे, ठीक है। तो 200 सालों में कितने विषम दिन आएंगे, तीन आएंगे, सवाल में एक काम आएगा ध्यान दीजिए। तो हाँ चलो दोस्तों 300 वर्ष है, 300 इयर्स, अब इसमें वोट डेज कितने आएंगे वो निकालो। चलो तो 300 में कितना होगा, तो तीन गुड़े कितना सॉरी पांच गुड़े तीन, पांच गुड़े तीन बटे सात हो जाएगा, पांच तीन पंद्रह बटे सात, पंद्रह भागे सात कर लो, पंद्रह भागे सात, सात दूना चौदह, बचा कितना एक, तो इसमें आ गया कितना वन और डेज। अगर 300 साल है तो उसमें वोट डे कितना जोड़ेंगे, एक जोड़ के ध्यान दीजिएगा। अब 400 वर्ष में आइए, 400 इयर्स, 400 इयर्स है दोस्तों, इसमें क्या होगा, तो हो जाएगा चार गुड़े पांच, अब प्लस वन करेंगे क्योंकि चौथा साल जो है हमेशा लीप ईयर्स होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसलिए एक हम लीप ईयर्स के नाते जोड़ देंगे इसमें, तो प्लस वन बाई सेवन, तो करो कितना आ गया, पांच चौका बीस धन एक, तो हो जाएगा आपका बटे सात, तो बीस एक इक्कीस बटे सात, सात के साथ सात तरीक इक्कीस, ये पूरा पूरा कट गया दोस्तों, देखिए इक्कीस भागे सात करेंगे, सात तरीक इक्कीस पूरा पूरा कट गया ना, तो ये हो गया कितना जीरो बचा ना, तो ये जीरो हो गया। तो 400 सालों में हमारा कितना हो जाएगा, यार जीरो और डेज होगा। तो दोस्तों अगर इस तरह से 400 हुआ, 400 के गुणांक में जो भी संख्या आएंगी तो उसका जो आपका आउटेज होगा कितना होगा, जीरो होगा, याद रखना। जैसे 400 हो गया तो 800 हो गया, 1200 हो गया, 1600 हो गया, 2000 हो गया, तो इन सब का जो है आउटेज कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है जीरो आउटेज, हमेशा जीरो जोड़ेंगे आउटेज के रूप में, ठीक है क्लियर। आइए दोस्तों अब मैं आपको सवाल बताने चल रहा हूँ कि जो कंपटीशन में पूछी जाती है दो तरह से पूछी जाती है, एक तो ये होती है कि डायरेक्ट कोई साल दे दिया है उसी को बता दिया कौन सा दिन उस दिन होगा, और दूसरा होता है कि एक बेस ईयर कुछ दे देगा उसके आधार पर पूछेगा क्या होगा। तो चलिए पहले मैं उसको बता देता हूँ कि जो पहले एक ही दे दिया जाता है और पूछ दिया कौन सा दिन है, तो चलिए मैं अपना ही ले लेता हूँ। मेरा जन्म दोस्तों 16 मार्च 1978, ठीक 1978 को हुआ था, तो उस दिन कौन सा दिन था, तो 16 मार्च 1978 को कौन सा दिन पड़ रहा है, आइए चलिए इसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं 16 मार्च 1978 है, तो 78 हम पूरा नहीं लेंगे, इसका एक कम लेंगे, ठीक है। तो इस हमको इसको लेना कितना 1977, ठीक 1977 लेना है। अब 1977 को चलिए डिवाइड कर लीजिए, भाग में बांट लीजिए कितना कितना है, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 1600 फुल ईयर हो गया ये, और प्लस 16 3 19 हो जाएगा, प्लस 300 और प्लस और 77 साल अभी बच रहा है हमारा, तो ये हो जाएगा प्लस 77। अब चलिए इनका हम आउटेज निकालेंगे, ठीक है आइए चलिए आउटेज करते हैं उसी गणना। तो 1600 का आउटेज कितना था बताए थे अभी, मैं निकाले कितना जीरो, प्लस 300 का कितना निकाले अभी वन, प्लस अब आ गया 77, और हाँ प्लस हमारा क्या है ये 16 मार्च है ना, तो इसको भी बाद में हम कैलकुलेशन कर लेंगे इसका, तो उसका भी आया लिखना तो लिख लीजिएगा। तो देखिए अब इसको हम 16 मार्च जो है हाँ 77, अब 77 में कितने लीप ईयर्स होंगे और कितने जनरल ईयर वो निकालना है, तो 77 भागे 7 कर लो, सॉरी 4, 77 भागे 4
ऐसे ही करना दोस्तों, जितना दिया उसमें चार से भाग दे देना, तो ये चार इकैया चार हो जाएगा, बचा हमारा तीन, सात उतरा, फिर चार चार आठ बत्तीस, चार नवा छत्तीस, तो बच गया हमारा एक, तो कितना आया 19, तो हमारे आ गए लीप ईयर, 19 लीप ईयर होंगे इन्हें लीप ईयर। अब 19 तो लीप ईयर हो, जनरल कितना हुआ, तो जनरल निकाल के 19 जो इसमें से घटा लो, तो 77 माइनस 19, 17 में से 9 गया 8, और यहाँ 6 में से क्या 5, 58। तो दोस्तों याद रखना, ये जो लीप ईयर है एक ईयर में दो होता है, और फिर इसमें दो से मल्टीप्लाई करो पहले, तो 19 गुणे 2 और प्लस 58, ये हल कर लो पहले, तो ये हो जाएगा कितना 0 और प्लस 1 प्लस 19 दूनी 38 और प्लस 58, ये हो जाएगा हमारा कितना आया 8 8 16 1 17, और फिर इधर से 3 5 3 8 और 1 9, 97 आ गया। अब चलिए 97 तो ये आ गया, लेकिन 16 मार्च तक के जो दिन है उसकी भी गणना हमको करनी है, तो चलिए 16 मार्च देखिए, जनवरी पहले होता क्या, जनवरी, जनवरी कितने की है 31 की, फिर आता है फरवरी, फरवरी कितने की है 28 की, फिर मार्च 16 तक है तो 16 ही लिख लो। अब देखिए ऑडेज बताया ना, इसका ऑडेज कितना होता है, या तो सभी जोड़ के इकट्ठे ऑडेज करो या डायरेक्ट निकाल लो पहले, इसका ऑडेज हो गया कितना 3, इसका हो गया 0, इसका 16 है, 16 पूरा लिख लो पहले, तो 16 3 19 आ गया, और 19 आ गया दोस्तों। अब 19 जो है इसमें कितने ऑडेज आ जाएंगे, बात इसको भी जोड़ लो इसमें 19, तो 19 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 7 16 और 9 1 10 1 11, 116 आ गया ना सर। अब 116 में चलिए निकाल लेते हैं कितने ऑडेज है, 116 भागे 7 कर लो, तो जाएगा 7 के 7 बच्चा 4 और ये 6 7 6 42, बच्चा हमारा कितना 4, 4 ऑडेज बच्चे रहे हैं, 4 ऑडेज, ठीक है, तो ये हमारे 4 ऑडेज आ गए दोस्तों, आंसर अब हमारा आ गया है, टेंशन मत लीजिए, ऑडेज तो 4 ऑडेज आ गए हैं जब, तो अब गिन लो पहले क्या है, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक यही तो दिन है, तो ये हमारा 1 है 2 3 4 5 छ 7, ठीक, तो चौथे स्थान पर कौन सा आ रहा है, थर्सडे ना, ये चौथे स्थान पर थर्सडे आ रहा है, मतलब कि हमारा हो गया थर्सडे, थर्सडे बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, तो दोस्तों हमारा जो जन्म है किस दिन हुआ था, गुरुवार बी फेब हुआ था, एकदम करेक्ट आंसर है, नहीं है तो आप कैलेंडर खोल करके देख लीजिए दोस्तों। अब हम निकालते हैं हमारा देश कब आजाद हुआ था, किस दिन आजाद हुआ था, अब आइए उसको निकाल लेते हैं, तो हमारा देश जो है तो जानते हो 15 अगस्त, 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, जानते हो ना, नहीं जानते तो जान जाइएगा। अब दोस्तों ये हुआ, तो हमारा जो है 1947 जो है 1947 नहीं लेंगे, एक पीछे का लेंगे 1946, ठीक, अब 1946 में डिवाइड कर लो कितने कितने हुए सब, चलो करो, तो इसको लिख सकते हैं कितना 1600 प्लस और कितना है 16300 प्लस और कितना 46, ये हो गया। अब फिर वही प्रोसेस आ गया, तो 1600 में कितना का ऑडेज होगा 0, 300 का 1 होगा और प्लस 46 को बांट लीजिए, 4 से भाग देके देखिए लीप ईयर कितने हो रहे हैं, कितने जनरल ईयर हो रहा है, तो 46 भागे 4 कर लेते हैं, तो 4 कैया 4 कटम कुटम 6 बचा 4 कैया 4 2 बचा, इससे कुछ मतलब नहीं, ये हमारे 11 जो है कंप्लीट आ रहा है, ये हमारा हो गया क्या लीप ईयर, तो 11 हो गया लीप ईयर, ठीक। अब 11 46 में घटा लो पहले, 46 माइनस 11 तो बच्चा हमारा कितना 6 में से गया 5 और यहाँ बच्चा 3 में से गया 2 25 सॉरी 4 में से गया 3 35, तो 35 जो हमारे जनरल ईयर होते हैं सामान्य, सामान्य हो गए ये बी,
तो देखो दोस्तों हम बताए हैं लीप ईयर में हमेशा कितने का होता है, दो दिन होते हैं उसमें भी संधि, तो दो से इसमें क्या करना होगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा हमारा कितना 11 × 2 और प्लस इधर से 35 हल कर लो हुआ कितना, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 0 + 1 + 11 × 22 धन 35, ये हो जाएगा कितना 5 × 7 × 3 = 5 57 आ गया, तो 57 तो हो गया, लेकिन ये 15 अगस्त तक के दिनों को तो भी जोड़ना है, तो चलिए उसको भी लिख लीजिए, क्या जनवरी से शुरू करिए, जनवरी है हमारा 31, फिर फरवरी 28, जनवरी फरवरी मार्च 31, फिर 30, फिर 31, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी मार्च अप्रैल मई, फिर जून, फिर जुलाई अगस्त, ये हो गया, लेकिन अगस्त ये हमें लेना नहीं है, अगस्त तो सिर्फ 15 तक ही है, तो इतना ही ले चलो। अब इसमें ऑडेज निकालो कितना है, इसका 31 है तो कितना होगा, तो इसका 3, इसका 0, इसका 3, फिर इसका 2, इसका 3, इसका 2, इसका जो है हमारा कितना आ जाएगा 3, इसका 15, ये सब जोड़ लो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 × 3 = 2 13 × 3 = 16 × 5 = 21 + 1 = 31 हो गया, तो 31 इसमें और जोड़ लो आप, ये हो जाएगा कितना तो 58 + 8 = 9 हो गया और 5 × 3 = 8 हमारा आ गया 89। अब इसी आपका आंसर आ चुका है, 89 में 7 से भाग कर लो, 89 / 7 हो जाएगा 7 × 7 बचा हमारा कितना 1 × 9 = 7 × 14 बचा 5, ये आगे हमारे कितने 5 और गए 5 आटे जा गए दोस्तों, तो आपका आंसर भी आ गया है, पांचवा दिन गिन लो सोमवार से, सोमवार मंगल बुध बिपर शुक्र, तो आपके आ गया क्या फ्राइडे, फ्राइडे शुक्रवार, तो हमारी आ जाती किस दिन मिली थी दोस्तों, याद करिए शुक्रवार को मिली थी, और एक बात और याद रखना कितने बजे बज रहा था 12:05 हो रहे थे, ठीक है, तो रात के 12:05 पे हमारा देश जो है आजाद हो चुका था, और पाकिस्तान जो है वो एक दिन पहले हुआ था 14 अगस्त को ही हो गया था, तो ये आप जीके में भी लिख लीजिएगा 12:05 को हमारा देश आजाद हुआ था, तो चलिए आगे कुछ बढ़ते हैं इसी पर, तो हाँ दोस्तों ये जो है हमारा जो है सवाल दूसरा जो टाइप है उसमें बेस जो दिया रहेगा वो तीन तरह से पूछा जाता है, तो पहला होता है कि डे, ये पहला है डे मंथ ईयर ठीक है, डे मंथ ईयर, तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंट सेम ठीक, तो दोस्तों याद रखना जो सेम है, अब ये हमारा ये है तो जो सेम है उसको तो हमको लेना नहीं है, ठीक, जो डिफरेंट है उसको ही लेना है, अब इसको देखिए कैसे हमें गणना करना है, तो आइए चलिए देख लेते हैं, जैसे कि आज का दिन ही ले लेते हैं 12 नवंबर, तो 12 नवंबर 2019 को ट्यूसडे है, आज मंगलवार का दिन है, ठीक है, तो 12 नवंबर 2019 को है हमारा ट्यूसडे मंगलवार, तो पूछिए आपसे कि 30 नवंबर 2019 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, तो 30 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, अब इसको पहले देख लो क्या है, ये है और ये है, तो इसमें क्या है, ये सेम है नवंबर 2019, इसको तो हमको मतलब लेना नहीं है, कुछ नहीं करना है, ठीक, अब इसी को हमें कैलकुलेट करना है यहीं से, तो 30 में से 12 पहले घटा लो, तो 30 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचा 18 में भाग दो 7 से मिशन दिन निकालने के लिए, 7 × 14 = 4, तो इसे ट्यूजडे में 4 जोड़ दो आप,
तो मंगलवार में चार जोड़ देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? तो ये मंगलवार, बुध, बीपर, शुक्र, शनिचर, ये आ गया आपका क्या? सैटरडे। सैटरडे तो 30 तारीख क्या होगा? सैटरडे होगा। तो देखिए कितनी आसानी से हमने आपको बता दिया, चाहे जैया का दिन दिया हो और इस सूत्र के जरिए आप फटाक से निकाल के बता दोगे कि कौन सा दिन है, खड़े खड़े दिन और पेन और कॉपी के। कितना आसान, अच्छा लगा तो भी लाइक दीजिए इसके लिए फटाफट। दूसरा टाइप हमारा है, ये जो हमारा बेल सेम हो जाएगा, बे सेम हो गया और मंथ जो है सेम हो गया और ईयर मान लो या डिफरेंट हो गया, तब क्या करेंगे? तो देखिए यह सेम है, ये भी आपका सेम है, ये डिफरेंट है, फिर तो इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, इसको ही गणना करना है। तो आइए चलिए एक एग्जांपल लेकर के बताते हैं। जैसे जैसे ले लेते हैं हम 15 अगस्त, 15 अगस्त 2019 को पड़ा है क्या? थर्सडे है, थर्सडे, थर्सडे बीफ है, ठीक है। अभी हमने आपसे पूछ दिया 15 अगस्त 2021 को कौन सा दिन पड़ेगा? ठीक, आज थर्सडे है, 2021 को क्या पड़ेगा? ये देखिए सेम है, ये भी सेम है और ये देखिए सेम है, सेम है, ये डिफरेंट है, कीजिए कैंसिल, ये कैंसिल। और 2019 से 2021 में कितना दिन हुआ? तो हमें 21 में से 19 घटा लो, कितना बचा? 2 साल बचा। तो 2 सालों में देखिए दोस्तों 2019 तो जनरल है, लेकिन 20 जो आएगा वो आपका क्या होगा? लीप ईयर होगा। तो लीप ईयर में कितना जोड़ने के लिए बताया है? 2 और जनरल के लिए 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कितना? 2 1 3 जोड़ दो, तो थर्सडे में 3 जोड़ लो, कितना आ जाएगा? थर्सडे प्लस 3 मतलब बीफ है, सुख, शनिचर, इतवार। तो आ गया हमारा कौन सा दिन? संडे। तो 15 अगस्त 2021 को क्या पड़ेगा? संडे पड़ेगा, ठीक है। अभी दोस्तों एक और बता दे रहे हैं, जैसे जैसे है 1 जनवरी 2020 को हमारा है वेडनेसडे, वेडनेसडे ये हमारा बुधवार पड़ा है, वेडनेसडे, ठीक। तो अभी पूछ दिया मैंने 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है। 2020 है, देखो ये सेम है, सेम है, ये डिफरेंट है, ये लेने जाए, ये नहीं लेना, ये देखो अब करना क्या, देखो 2020 है तो हमें बताया अगला साल जो होता है हमेशा एक बढ़ के जाता है, लेकिन अगर ये देखो ये 2020 है तो ये हमारा लीप ईयर है ना, तो एक न बढ़ करके 2 बढ़ के हम आगे जाएंगे, तो इसमें हम कितना जोड़ेंगे? 2। तो वेडनेसडे में 2 जोड़ दो, कितना हुआ? बुधवार, बीफ है, सुख, क्या आ गया आपका? फ्राइडे, इक्वल टू फ्राइडे। तो 1 जनवरी 2021 को क्या पड़ रहा है? फ्राइडे, मतलब 2021 में आप 1 जनवरी को शुक्रवार को मनाएंगे। अगर दोस्तों जैसे 21 है, अभी बोल दिया कि 1 जनवरी 2022 को कौन सा डे पड़ेगा, तो ये देखिए 22 आपका लीप ईयर नहीं है, तो इसमें हम फ्राइडे में 1 जोड़ देंगे, तो फ्राइडे प्लस 1 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? सैटरडे, सैटरडे। इस तरह से एक साल हमेशा आगे बढ़ता जाता है दोस्तों। तो आज के लिए हम सोचते हैं कि इतना पर्याप्त है, और इस तरह से आप बाकी के यहाँ ट्रिक जो है इस तरह से बता दी ना, जो सेम रहेगा उसको मत लीजिएगा और जो सेम नहीं है उसको ही हमको लेना है, कंडक्ट करना है। तो इस तरह से सवाल आप हल कीजिए, कंपटीशन के सभी सवाल आपको इस सूत्र पर हमारे आ जाएंगे। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है उसे कमेंट जरूर कीजिएगा, वो हमें बहुत ही सराहनीय होगा। एक लाइक मार देंगे तो इससे हमें जोश मिलेगा, उत्साह मिलेगा, इंटरेस्ट में होगा, और भी हम वीडियो डालेंगे आपके लिए।
आपकी तैयारियां होती रहेंगी। और चैनल में नए हो सब्सक्राइब नहीं हो दोस्तों, तो अगर आपको अच्छी लगी, मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी, सोच रहे हो कि कंपटीशन कुछ तैयारी हमारी हो जाएगी इसके पढ़ करके, ऐसी वीडियो अगर चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, अन्यथा मत कीजिए। अगर सोचते हो कि बेकार है, टाइम पास है, तो मत कीजिए। अगर अच्छी लगी है, ट्रिक समझ में आया है, तो समझ सब्सक्राइब कीजिए, ओके, और लाइक भी मार दीजिए और अपने दोस्तों में फटाफट इनको शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आपके लिए होमवर्क भी है यश चैप्टर, ठीक, करके हमें आंसर दीजिएगा, वेट करेंगे। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, मतलब जी हमारा गणतंत्र दिवस हुआ था, कौन सा दिन था आपको पता करके हमें लगा करके इसी सूत्र पे अभी जवाब दीजिए, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसी तैयारी हो रही है दोस्तों, तो कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।